देखिए कांगड़ा जिला में जो 15 विधानसभा असेंबलीज हैं उसमें जो काउंटिंग है सबकी अलग अलग जगह की जाएगी, परंतु दो ऐसी जगहें हैं जहां पर दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो काउंटिंग है एक ही प्रेमिसेस के अंदर की जाएगी। सूला और पालमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो कैप्टन विक्रम बत्रा जो हमारा डिग्री कॉलेज है वहाँ पर उनकी उसकी मतगणना की जाएगी, और साथ साथ जो हमारा परागपुर और धीरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ढलियारा के अंदर जो है वो काउंटिंग दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग हॉल्स के अंदर की जाएगी। तो इसमें जो काउंटिंग स्टाफ है उसमें दो प्रकार से स्टाफ जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा। पहला जो है प्रकार जो काउंटिंग स्टाफ वो ईवीएम्स की काउंटिंग के लिए जो है वो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उसको ईवीएम्स की काउंटिंग के लिए वो स्टाफ जो है वो नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे पूरे जिले के अंदर 165 जो टेबल्स हैं ईवीएम की काउंटिंग के लिए अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स के अंदर लगाए जाएंगे, और इसमें एक जो काउंटिंग सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट है वो लगाया जाएगा, और एक पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनकी तैनाती की जाएगी। और इसी प्रकार जो पोस्टल बैलेट है उसके लिए भी जो काउंटिंग स्टाफ है वो अलग से लगाया जाएगा, उसमें प्रत्येक टेबल में एक एआरओ और दो काउंटिंग असिस्टेंट, एक काउंटिंग सुपरवाइजर और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की जो तैनाती है वो की जाएगी। और आज जो है 11:30 बजे इसकी जो है वो रैंडमाइजेशन, फर्स्ट रैंडमाइजेशन ऑफ काउंटिंग पर्सनल पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में उसको आज किया जाएगा, और उसके बाद 3 तारीख को जो इनकी ट्रेनिंग है सभी काउंटिंग स्टाफ की जिला स्तर पर करवाई जाएगी, और 6 तारीख को रैंडमाइजेशन के बाद 7 तारीख को जो सेकेंड ट्रेनिंग है इस काउंटिंग स्टाफ की वो रिस्पेक्टिव जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं अपने यहाँ उसकी जो ट्रेनिंग है वो करवाएंगे। इसके साथ साथ मैंने भी काफ़ी जगह जो काउंटिंग अरेंजमेंट्स को देखने के लिए कि वेदर वो सुचारू रूप से चल रही हैं और ठीक जो अरेंजमेंट्स है वो की जा रही है कि नहीं, इसके लिए जो है काउंटिंग सेंटर्स का दौरा किया है, और उसमें जो जंगले वायर मेश इत्यादि लगने हैं और जो कॉरिडोर बनना है स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर के बीच में उसकी भी जो निरीक्षण है वो किया है, और जहां ज़रूरत है वहां जो निर्देश है वो दिए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो हमारी 3 कॉर्डन्स रहेंगे, एक पेडेस्ट्रियन जोन बनेगा जिसके अंदर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होगा, एक मिडिल कॉर्डन होगा और एक इनर कॉर्डन होगा, वहां पर जहां जहां फ्रिस्किंग करवानी है, जहां पे आई कार्ड चेक होने हैं, वो सारा जो है व्यवस्था उसको सुचारू रूप से पूर्ण किया जाए। और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी आज बैठक रखी गई है, इसमें काउंटिंग एजेंट्स की जो नियुक्ति है फॉर्म 18 पर उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। हालांकि बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति है वो कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी करवा ली है, तो इसकी भी लास्ट डेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की गई है वो 4 तारीख शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति जो अपने काउंटिंग एजेंट्स के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं जो आवेदन है, और 8 तारीख को सुबह 8 बजे जो ये काउंटिंग है इसका प्रारंभ किया जाएगा, और उस दिन भी थर्ड रैंडमाइजेशन जो है सुबह 5 बजे ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में जो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसको करेंगे, और इसमें जो जो टेबल्स की एलोकेशन है काउंटिंग स्टाफ की वो उस दिन उसको एकम्प्लिश किया जाएगा।